दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड से इस समय घर के अंदर की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आ चुकी है, जो कि आप भी सुनेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि घर के अंदर आज टास्क होने वाला था। हालांकि दोस्तों लाइव फीड में अभी तक टास्क शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि लाइव फीड हमें 2 से 3 घंटे पीछे की दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में जो टास्क होने वाला था वो पूरा भी हो चुका है। और इस टास्क के दौरान आपको बता दें कि जो 6 बॉटम कंटेस्टेंट थे, यानी कि विशाल, जय, सिम्बा, नेहा, राजीव और उमर रियाज, इन 6 कंटेस्टेंट में से किसी एक का घर से बेघर होना बिल्कुल तय था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट इस टास्क के दौरान घर से बेघर हुआ है। तो आपको बता दें कि बेघर होने वाले कंटेस्टेंट का नाम है सिम्बा नागपाल, जो कि हमें बिग बॉस के सीजन 15 के घर में जब से आए थे तभी से सोते हुए दिखाई दिए थे। और अब आखिरकार बिग बॉस ने उनको सोने के लिए घर भी भेज दिया है और वह आराम से चैन की नींद अपने घर पर जाकर सो सकते हैं। दरअसल दोस्तों घर वालों को लगा था कि ये टास्क किसी और चीज के लिए हो सकता है, लेकिन घर वालों को जब ये पता चला कि बॉटम 6 कंटेस्टेंट में से किसी एक का घर से बेघर होना बिल्कुल तय है, तब घर वालों के काफी होश उड़ गए थे। जैसा कि सूत्रों ने बताया कि सिम्बा नागपाल अब घर से बेघर हो चुके हैं। तो वहीं दोस्तों अब घर के जो 5 बॉटम कंटेस्टेंट बचे हैं, यानी कि विशाल, जय, नेहा, राजीव और उमर रियाज, इन 5ों की हालत भी काफी पतली हो चुकी है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि यूं इस तरीके से अचानक से आधी रात को मिडनाइट एविक्शन भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बिग बॉस ने बिल्कुल सही एविक्शन किया है या गलत, आप हमें कमेंट करके अपनी राय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिग बॉस की ऐसी ही चटपटी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले।